मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी मेरे लास्ट क्वेश्चन से. हैव यू एवर गॉटन टू पेड सेक्स, मतलब किसी सेक्सी सी बंदी या किसी सेक्सी सी आंटी ने? आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. मैं थाईलैंड में था. Okay. मैं तभी बहुत छोटा था. पहली बार किसी औरत ने मुझसे बहुत काफी बड़ी थी. तभी मैं 20 साल का था. पतला सा, भोला भाला सा, चिकना सा, बच्चा सा. तभी तो क्लीन शेव रहना पड़ता था. हाँ. मुझे वो लेकर गई, मतलब वो मेरे यूनिट से थी. Okay. पहली बार किसी औरत ने मुझे इतने सपने दिखाए. Okay. मैं तुम्हें यहाँ पे होस्ट करवा दूंगी, तुमको मैं वहां पहुंचा दूंगी, तुम ऐसे हो, यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व. तभी भी मैं बड़े ब्रांड का मॉडल था. एक मोबाइल कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी था, जिसका शूट हम थाईलैंड में करते थे. ओके. तो उन्होंने मुझे बहुत सपने दिखाए, मुझे रूम में इनफैक्ट लेकर गई. तो मैं गया और मैंने उनको देखा. सचमुच मेरे से हो नहीं पाया. अब अगर मुझे तो बात तक तो बहुत छोटा. आई फेल वेरी इंटीमिडिएटेड, यू नो. उनका जो पर्सनालिटी, वो पावर, आई फर्स्ट टाइम आई फेल्ट ऑब्जेक्टिफाइड, यू नो. और मैंने ये सब सुना था, मूवीज में देखा है हमने, बहुत सारी फिल्मों में, यू नो. आने से मैं तो आई एम अ बॉलीवुड बफ, हॉलीवुड फिल्में देखता हूँ, तो मुझे पता था ये सब होता है, ओल्डर वुमन, यंगर मैन. बट मेरे साथ ऐसा कभी होगा, दैट टू इन अ फॉरेन कंट्री. तभी मैं ड्रिंक भी नहीं करता था, कॉफ़ी तक नहीं पीता था, मैं इतना वो था. तो मेरे से वो बहुत ही, अभी तो आई लुक बैक एंड आई थिंक कि बहुत क्या क्या वक्त था, मैंने क्यों नहीं किया. मैं शायद कहीं और होता. डू आई लव व्हाट आई एम डूइंग? आई वुड हैव डन इट. मुझे अभी लगता है कि मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के ओनर्स सब ने अप्रोच किया, बहुत कुछ हुआ. मैं जब कॉमेडी होता है ना सर्कल में, होता है देख तू देख मैं इसके साथ जाऊँ, पर जब बात आती है ना तो फटती है. Okay. ये सब बोलने में बहुत मजा आता है, बट जब करने का टाइम आता है मेरे से नहीं हो पाता. So, ये तो आपका एक बेटर एक्सपीरियंस था जो कि वो आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रही थी. मुझे एक्चुअल पेड सेक्स एक्सपीरियंस बताओ जहाँ पे बंदी. अरे यार, पेमेंट मुझे ऐसे ही आ जाऊंगा. मैं तो ऐसे ही आ जाऊंगा, बुलाओ मुझे बस. मैं मजाक कर रहा हूँ. पेड सेक्स देखा जाए तो टेक्निकली जैसा बोलते हैं. अब देखिए गहना जी, ये हम फोन पे बात करेंगे. वाइन चाहिए, वाइन चाहिए, थोड़ा कुछ चाहिए. हम ऐसे थोड़ी ना ग्रीन टी पी के सारी सीक्रेट्स बता दे. सो दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट टाइम सेक्स पेयर को बुलाऊंगी ना, तो आई विल ब्रिंग वाइन, कपड़े, सारे मेरे राज खुल जाएंगे. अच्छा, सेक्स पे मुझे बात बताओ जी. जैसे कि ऐसा कभी हुआ है क्या? मतलब मैं कैसे बोलूं कि कभी कोई फिल्म देख रहे हो जी. कभी कोई फिल्म देख रहे हो और ऐसे अचानक से सोच रहे हो, यार मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कोई गूगल पे एक साइट खोली, सोचा पॉइंट टाइप करूँ, सबसे पहले तुम्हारी चार फोन आ गई हो. अब सोच रहे हैं जो रिलाना भी और अपनी फिल्म देख लो, अभी क्या करूँ. मेरी जो इरोटिक फिल्में हैं, आई हैव, मतलब मजा आता है मुझे खुद की फिल्में देखने में. और पहले एक टाइम था जब मैं फॉरेन के एक्टर्स की फिल्में देखता था. अब मुझे लगता है मेरी फिल्में इतनी अच्छी है, वाह क्या लग रहा हूँ मैं. तो देखता हूँ, मज़ा आता है. मैं कई बार इनफैक्ट मेरी फिल्में मैं देखता हूँ और मुझे बहुत सारे लोग भेजते भी हैं. तो जो जो फिल्में मैंने सोचा देखा नहीं है, शूट किया था, भूल गया, मेरे पास आता है, मैं देखता हूँ. मैं एक्चुअली लाता हूँ अपनी वीडियोज़ देख के, मुझे लगता है यार. और उसके जो व्यूज़ होते हैं ना, 90 मिलियन व्यूज़, वो देख के मेरा और खड़ा हो जाता है. जो कि बट और कुछ वीडियोस तो चलो मॉफ्ट है, उसको उन्होंने पोर्नोग्राफी जैसा बना दिया, हमने शूट कुछ किया था. जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे आई लाइक व्हाट आई हैव डन. एंड फिर मुझे वो पल याद आते हैं, फिल्म शूट कर रहे थे, कैसे वो हीरोइन मुझसे लिपट रही थी, कैसे मुझे बोलती थी अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता, यू नो, मैं तुम्हारे साथ कर लेती, या हम कर चुके थे. वो पल, वो डायरेक्टर की आंखों की हवस, और मैं देख रहा हूँ कि सबका सेट पे एक इरेक्शन हो गया है, दूसरी हीरोइन इसका सीन भी नहीं, वो आके बैठ के देख रही है. तो वो सब याद आके मुझे बड़ा मजा आता है. तो ऑब्वियसली तो मुझे मैस्टरबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट कभी कभी हो जाता. अच्छा, एक और बात बताओ, ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसके साथ यू वुड लव टू गो ऑन डेट? अभी मैं अपनी नॉर्मल इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, बहुत बड़ी हीरोइन की बात नहीं कर रही हूँ. जिसके साथ यू जस्ट वॉन्ट टू गो ऑन डेट एंड चाहते हो सेट पर भी वो मिले, उसके साथ कुछ करने का मन हो, ऐसी कौन सी जिसके साथ तुमने नहीं किया है? सबके साथ हो चुका है.
मुझे लड़कियां भी बहुत जज करती है, जो लड़कियां खुद इरोटिका इंडस्ट्री से है वो मुझे मेरे लाइफ स्टाइल से, मेरा जो रहन सहन से मुझे बहुत जज करती है। तो मैंने एक चीज देखा है, जो मुझे पसंद करती है, जिसको मैं मिला हूँ उनके साथ मेरा बॉन्डिंग हो जाता है, पर ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके साथ मेरा ट्यूनिंग भी नहीं बैठता। अच्छा, मतलब हुआ वो हुआ है, कुछ लड़कियां हैं जैसे वो मुझसे जलती हैं। मैं आपको एक एक्ट्रेस का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल है, वो सांगली सी है। नो, यू कैन टेक हर नेम, इट्स नॉट एन इशू, ऑफ कोर्स यू कैन टेक हर नेम, नहीं वो है, तो आई जस्ट डोंट गिव हर दैट पावर। ओके, सेट पे आती है और पहले मेकअप इसको काला करो, एक बहुत गोरा है, बहुत चमक रहा है, ऐसा बोलती है। तो मेरी पहली बार एक लड़की आके बोल रही है बहुत चमक रहा है आजकल, ये तो गोरा है, मैं नहीं देखूंगी डायरेक्टर सर। तो जब हमारा सीन शुरू होता है, वो अपने बालों से मुझे पूरा कवर कर दिया है उसने। फिर मैंने सोचा, फिर हमारा झगड़ा भी हुआ, जो भी बहस हुआ, पर मैंने फिर सोचा यार देख, बंदे लोग देखेंगे, उनको लड़की ही देखेंगे, तो चलो शॉर्ट कर लेते हैं, मेरे को नहीं देखा मेरी दूसरी फिल्मों में देख लेंगे। तो ऐसा भी हुआ है, बट ऐसे मेरे दिमाग में कोई वैसी आ नहीं रही। बट जैसे मैं एक एक्ट्रेस से ऐसे ही मिला था, ऐसे मतलब हम लोग ऐसे टकरा गए थे, उनका नाम शायद रिद्धिमा है। ओके, हम लोग दो मिनट बात किए, बट शी वॉज वेरी स्वीट। और एक एक्चुअली है जो मुझे बहुत पसंद आई, उनका मेरा जब सीन हुआ उसके बाद ही उनका पैकअप हो गया, भारती जा। Okay. हमने सीन्स किए, बट हमारा बहुत ही प्रोफेशनल वे में शूट हुआ, कहीं ना कहीं उनकी मेरी बॉन्डिंग लास्ट डे ऑफ शूट पे अच्छा गया। इनफैक्ट उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी शूट की, बट वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पर भारती वाज गुड, उनके साथ मेरी सीरीज आ रही है अभी, उनके साथ जब मैंने किया था, हमने टेरेस पे शूट किया था, बहुत सारे लोग थे, बहुत ठंड थी, दिसंबर में अभी शूट किया, बड़ा मजा आया। सो नेक्स्ट टाइम आई जेन्युइनली वांट कि तुम दोनों साथ में आओ और अपनी केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करो टू द पीपल। आई डोंट नो कि हाउ डज शी फील अबाउट मी, पर मुझे उस टाइम लगा दैट हमारे बीच में देयर वाज अ स्पार्क। जब भी केमिस्ट्री होती है ना, कभी भी वन साइडेड नहीं होती, नहीं, इट्स ऑलवेज म्यूचुअल। तुम्हें अच्छा लगा है तो उसे भी लगा होगा, इट इज ऑलवेज म्यूचुअल। और अगर वो शाय भी है, मैंने देखा है कई बार क्या होता है ना, जो लड़कियों का पहला शो वो शाय होती है, बट मैंने देखा वो मेरे साथ खुल जाती है। okay. क्योंकि मैं उनका इतना केयर लेता हूँ। एक तो मैं उनको 100 बार पूछता हूँ, आपको ये करना है, आपको पता है। मैं तो उनको ब्रेन वॉश करता हूँ कि तुम चली जाओ, तुम मत करो, बाद में पछताना मत। फिर भी अगर वो कर रही है तो मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने खुद उनको नहलाया है। तो हम लोनावला में जब शूट करते हैं, ठंडी होती है, तो लड़कियां अवॉइड करती हैं, तो मैं पानी गर्म करके खड़ा हूँ, गर्म आ गए, आओ नहाओ चलो। मैंने डिओड्रेंट लेके उनकी पूरी आरती उतारी है मैंने, तो मैं उनको कहीं ये फील नहीं कराता। अगर चलो ब्रेथ में कुछ खाया है, जो भी है, मैं माउथ वॉश, मेरा किट रहता है सेट पे, परफ्यूम, माउथ वॉश, जो भी, तो आई ऑलवेज टेक केयर देम, आई ऑलवेज ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट एंड लव, कि लेट्स, कि ये तो फेक होता है, आपको पता है, बट उस फेक में भी ऑडियंस को दिखाना कि रियल है, ये एक आर्ट है, इसलिए तो हम एक्टर्स कहते हैं। तो वो फेक को ऐसा दिखाएं कि लोग देख के बस उनका हिलाना भी नहीं पड़े, ऐसे पानी निकल जाए, ये मेरा बहुत है टारगेट। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जैसे समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ना, जैसे लड़कियां भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती हैं अगर उसके लड़के के मुंह से कोई गंदी सी ब्रीद आ रही हो या गलत प्लेस पे हेयर हो, तो ऐसा कभी तुम्हारे साथ? ओह माय गॉड, तो एकदम से टर्न अप हो गए हो। एक लड़की आती है सेट में, ऐसे हाथ करती, इतने इतने बाल, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, तो हाथ नीचे कर रही है। फिर मैं ऐसा हाथ घुमाते घुमाते, ऐसे सो रही है, तो मुझे घुमाते घुमाते प्यार से, और मेरा हाथ उनके पैंटी पे ऐसा अटक गया, पता है कैसी आवाज आई, जैसे आप बर्तन साफ करते हो ना, वो स्कॉच ब्राइट वैसा। फिर मुझे बोला कि पैरों से किस करो, पैरों पे किस, मुझे लग रहा है किसी आदमी के साथ सेक्स करो, इतने बाल हाथों पे, आर्मपिट्स पे। मैं बोल रहा हूँ तुम शूट पर आई हो, मतलब रेजर से तो आप कर सकते, चलो आपको नहीं करना है। तो मैंने बोला डायरेक्टर जी को कि, और वो हमारे डायरेक्टर एक लेडी थी, तो उन्होंने उनका ध्यान रखा बाद में, बट चलो जो भी है उनका स्टाइल होगा शायद। और वो आई थिंक शी हैड अ बॉयफ्रेंड और समथिंग, उनका बॉयफ्रेंड भी बाहर बैठे थे। हाउएवर इट इज यार, लड़कियां क्लीन ही अच्छी लगती। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैं अभी बोलूंगा ना, तो वो एक इशू बन जाएगा, शी माइट टेक इट पर्सनली, शूट ना हो पाए, प्रोड्यूसर का लॉस हो। मैं कई बार बोलता नहीं,
जितना मेरे से हो सकता है मैं कर लेता हूँ. अगर मुझे पता है यहाँ से स्मेल आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा एक्टिंग कर लो किस सीन की. अगर वो दो तीन अच्छे एक्सप्रेशन भी देंगे तो एक शॉट मिल जाता है. हाथ ऊपर नहीं कर सकते तो यहाँ पे कुछ ऐसा थोड़ा कर लो कि वो उनका बेसिकली उनका एक्सप्रेशन और मेरा थोड़ा एक्टिविटी दिख जाए तो शॉट जबरदस्त हो जाता है. बट ऐसा नहीं लगा कि आप एक आदमी के ही साथ कर रहे हैं? कई बार लगा मुझे ना कि हो गया. अच्छा ऐसा हुआ कभी कि लड़की ने एकदम से डोमिनेट कर दिया हो ऑन सेट्स और ऐसा लगा यार कि तुम्हारा रेप हो रहा है क्या? ऐसा कई बार आप यकीन नहीं करेंगे. जब मैंने स्टार्ट किया था तभी बेडशीट्स यूज करते थे बहुत. तो उस टाइम पे कई बार ऐसा हुआ कि मैं लड़की को एक दो बार तो शूट हुआ है बट फ्रेंडशिप नहीं हुई है. तो सीन के टाइम पे उन्होंने मेरे अंडरवियर के अंदर हाथ डाला है. कई बार ऐसा हुआ है कई बार. तो लकीली क्या होता था बेडशीट है तो ऐसा भी हुआ है. तो बात ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगा कि वो मुझे इतना चाहती है उस पर भले वो दो मिनट के लिए. उन्होंने खुद चेक. और एक दो एक्ट्रेसेस हैं बहुत पॉपुलर हैं वो तो बोलती है खड़ा हुआ मेरे साथ मतलब तो खड़ा हुआ मेरे साथ पूछते हैं आके मुझे. तो कई बार और मैं एक बात बताऊं आप फीमेल है ये जो शूट्स होते हैं ये भले ही मर्दों की पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है बट इस सेट्स पे औरतों को ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है. एक तो उनका बजट हाई रहता है. लड़कों को मतलब मूंगफली जैसे पैसे मिलते हैं. दूसरी बात इसी बार आते ही उनको स्पेशल रूम आप क्या खाएंगी आप कंफर्टेबल हैं उनका यूनिट होता है. लड़कियों तो लड़कों की जरूरत ही मतलब मेरे सामने मेरे साथ सेट पे मैं सबकी बात नहीं कर सकता. मैंने देखा है लड़कियां ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है. Yes. वो ज़्यादा अपना जोश में आती हैं वो ज़्यादा खींचती हैं वो ज़्यादा मेरा बट पकड़ के मुझे खींचती हैं. मैं अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ. सपोज बेडशीट है या हमने तकिया भी रखा है तो वो बोलते अरे तकिया हटाओ. कई बार ऐसा हुआ है लड़की बोलती है कि मुझे एक्सपोज नहीं करना है बट सीन को कम्प्लीट करने के लिए मेरा अंडरवेयर निकाला जाता है और वो ही मुझे बोलती है अंडरवेयर निकाल देना. अरे मैं बोला अब मैं क्या बोलूँ. लड़की बोल के मेरा अंडरवेयर निकाल के खुद अपने कपड़े रखती तो मैं समझता हूँ यू नो दे फील शाय व्हाटएवर जो भी है. तो कई बार उनका अंडरवेयर है उनका ब्रा है मेरे को ब्रा नंगा कर दिया और कौन करवा रही है मेरी कोस्ट गार्ड. क्योंकि उनका सीन अच्छा हो जाएगा ना तो उनका बैकअप जल्दी हो जाएगा तो मैं चलो कर लेता हूँ. तो ऐसा भी हुआ है. तो शेक्सपियर आज आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो और आपके हिसाब से ये जो बोल्ड इंडस्ट्री है आप एडल्ट इंडस्ट्री बोलो कुछ भी बोलो आपके हिसाब से दिस शुड बी लीगल इन इंडिया एंड किस एक्सटेंट तक दिस शुड बी लीगल? देखिए लीगल करने से फ़ायदा क्या है लोगों को काम बहुत मिलेगा. आप यकीन नहीं करेंगे लॉकडाउन में कितने आर्टिस्ट ने सुसाइड किया. कितने सारे टेक्नीशियन सेट पे आके मेरे पास रोते थे मेरी बच्ची को खाना खिलाने के लिए. वो सेट से जो समोसा मिलता था वो चोरी करके लेते थे अपने घर वालों के लिए. मैंने देखा है बोला मत मैं दो की जगह चार ले रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी घर पे. मुझे इतना रोना आता था. दाल राइस पैक करके ले जाते थे. इतनी गरीबी में लोगों ने अपना फैमिली चलाया है यू नो. तो ये अगर लीगल होता है इससे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा. बट यस अगर इंडियन कल्चर के हिसाब से ये लीगल नहीं है तो एक गाइडलाइंस कर दिया जाए कि इसी गाइडलाइंस में ही शूट हो तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. और ये क्लैरिटी नहीं है और मेरे हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में सबको मैं बनने आया था रणबीर कपूर बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उनके साथ एक दोस्त के रोल का भी पाना बहुत मुश्किल है. नेपोटिज्म कास्टिंग काउच ग्रुपिज्म बहुत कुछ है. मैं यहाँ वो क्या बोलते हैं एक टर्म है बोलना नहीं चाहिए वो टर्म यूज नहीं करना चाहिए बट वो रोके मुझे वो सब बोलना नहीं है कि मुझे इससे प्रॉब्लम है उससे. बट ये सच्चाई है. टेलीविजन में भी एक अच्छा सपोर्टिंग रोल मिलना कितना मुश्किल है. लोग या तो पैसे लगाते हैं आपको पता है या तो खुद लड़कियां भेजते हैं प्रोड्यूसर के पास या खुद सो जाते हैं. ये सच्चाई है. अब मुझे ये सब बोल के किसी को दुखी नहीं करना. जो करे करे जिसके पास पैसा है वो करे. बट ऐसा ही है आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते. तो अगर हम लोगों को एक चांस मिले कि बोल्ड इंडस्ट्री एक दायरे में शूट हो तो शायद बहुत भला हो. और अभी देखो सोशल मीडिया की वजह से जो मोनेटाइजेशन हो गया मेरा इंस्टा भी मोनेटाइज हो गया तो मैं भी घर बैठे कुछ कमा रहा हूँ. तो ऐसे अगर वेब में लोगों को काम मिले तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हमारा ही लाइफस्टाइल हमारा हम भी अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते. Yes. तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ हो और इसे इलीगल अगर हाँ किसी का शोषण हुआ है ज़रूर कार्रवाई की जाए. पर इनोसेंट लोगों जैसे मी टू भी हुआ बहुत इनोसेंट लोगों को फंसाया गया पर जिसके साथ हुआ है ही डिजर्व्स.
मुझे एक बात बताओ, क्या सेट पर किसी के साथ फोर्स करके एक्टिंग कराई जा सकती है? मैं एक बात बताता हूँ, कैन एनीवन एक्ट? मैंने जितने शूट्स किए हैं, मेरे हर सेट पे एक तो लेस्बियनिज्म दिखाएंगे, एक तो स्ट्रेट दिखाएंगे, तो दो तीन लड़कियां होती हैं, तो वो उनका वैसे भी ग्रुप होता है, मेकअप आर्टिस्ट होती हैं।